ये 2.5 महीने से बैठे मेरे इलाके में बैठे, मेरे गृह क्षेत्र में बैठे हैं, 2.5 महीने में पुलिस के थानों से आप पता करा लिए सभापति महोदय, लाखों की तादाद में बैठे हैं। किसी को तंग करने की बात तो दूर है, किसी की तरफ हिंसा की बात तो दूर है, किसी एक रेडी वाले से एक मूंगफली और एक केला भी अगर किसी ने छीना हो, इन किसानों ने किया हो, एक कंप्लेंट पुलिस में आई हो। स्वच्छ भारत का नारा देने वाली सरकार, जहाँ इन धरनों से लाखों किसान जहाँ डटे हुए हैं वहाँ से शौचालय को भी हटवाने का काम कर रही है, दुश्मन की फौज को भी सरेंडर कराते हैं, वहाँ भी पानी का और शौचालय का इंतजाम कराते हैं। प्रजातंत्र नहीं, प्रचार तंत्र। आज ये प्रजातंत्र नहीं है, प्रचार तंत्र है। प्रचार से, प्रचार के लिए, प्रचार द्वारा, प्रचार तंत्र। मैं सदन का ध्यान चल रहे किसान आंदोलन से उत्पन्न गंभीर स्थिति की ओर ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। आज 4 फरवरी को किसान आंदोलन का ये 72वां दिन है। सारी सर्दी बारिश में लाखों की तादाद में लोग किसान आंदोलन में शामिल हैं। इस दौरान 11 राउंड बातचीत के, सरकार और किसान के बीच बेनतीजा बातचीत के 11 राउंड हुए, फिर भी आज जो स्थिति है, टिकरी बॉर्डर पे पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक 4-5 लेन 17 किलोमीटर लंबा धरना, सिंगू बॉर्डर पे पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक 21 किलोमीटर लंबा धरना, अलग अलग गाजीपुर बॉर्डर पे बाकी जगह कई लाख लोग आज भी इन धरना स्थलों पर विश्वास रखे अपने मन में शांति और संयम से बैठे हैं। पिछले इन 72 दिन में इन धरनों स्थलों से 194 किसानों के शव, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, शहादत दे दी, अपने अपने गांव में वापस लौटे। ये वो लिस्ट है। कोई पूछ रहा था कि कौन है, गांव का नाम है, परिवार का नाम है, उनका कौन सा भाई चीन की सीमा पे तैनात है, कौन सा भाई पाकिस्तान की सेना पे तैनात है, उनके नाम मैं रखना चाहता हूं, मैं इसको सभा पटल पे रखना चाहूंगा। यमुनानगर के स्वर्गीय रणदीप सिंह गुंदियाना गांव के, गड्डी गुजरान करनाल के स्वर्गीय राजेश चहल, जिसका भाई आज भी लद्दाख में तैनात है, पाई के स्वर्गीय अजय ढुल, बड़ौदा गांव के भाई स्वर्गीय भाई अजय कुंडू, जो जिनके मैं घर गया, लगभग इनके परिवारों से मिलने गया, जिनके घर पे एक उनकी विधवा और 3 बच्चे, विधवा इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, कोई नौकरी कर पाएगी, 3 लड़कियां हैं, तीनों अभी स्कूल में, अनमैरिड है, कैसे उनकी शादी होगी, कैसी व्यवस्था होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, उनकी बेटियों को कौन बचाएगा, कौन पढ़ाएगा। सैकड़ों जान चली गई मगर सरकार के मुंह से संवेदना का एक अक्षर नहीं निकला। आज मैं देख रहा था कि मैंने सभी भाजपा के की तरफ से जो लोग बोले उनके वक्तव्य को ध्यान से सुना। इन 194 परिवारों के लिए कोई संवेदना के शब्द की बात तो दूर की बात है, जिक्र तक नहीं हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बोल रहे थे, 15 साल तक मेरे साथ लोकसभा में थे, उन्होंने एक किसान का जरूर जिक्र किया 26 जनवरी को जिसने अपनी जान गंवाई। प्रचंड बहुमत का अहंकार भी दिखाई दिया, कहा कि लोग हमारे साथ हैं, मगर इन इलाकों के अंदर जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में या उप मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में को कार्यक्रम भी नहीं कर पाएंगे, ना कर पा रहे। उपचुनाव के बाद उपचुनाव हरियाणा के अंदर सरकार को हार का मुंह देखना पड़ रहा है, जबकि 4 साल सरकार के बाकी हैं। जनता का विश्वास कितना इस सरकार के पास है। मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, ये जो धरने टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, ये मेरा गृह क्षेत्र है,
मैं वहीं से आया हूं, मैं इन धरनों पे गया हूं, एक एक ट्रॉली के अंदर झांक के मैंने किसान से बात करी है, मैं इन घरों में गया हूं, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं सदन के बीच में सच्चाई रखना चाहता हूं, केवल सच्चाई रखना चाहता हूं। ये स्थिति में हम कैसे पहुंचे? 5 जून 2020 को कोरोना आपदा के बीच में अध्यादेश जिनकी आवश्यकता तब होती है जब इमरजेंसी सिचुएशन हो, जैसे अभी कहा डेरेक ओब्रायन जी ने। सामान्यतः सदन, दोनों हाउस कोई भी किसी भी बिल को पास करते हैं, राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करते हैं और एक्ट बनता है। अध्यादेश जब राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से एक्ट कानून लागू हो जाए और उसके बाद दोनों सदनों को केवल एक रबर स्टैंप की तरह उसको पारित करने के लिए प्रयोग किया गया, आंदोलन शुरू हो गया। पंजाब में 6 महीने तक आंदोलन चलता रहा, हरियाणा और पंजाब में, कहीं पिपली में लाठीचार्ज हुआ तो कहीं पंजाब के एक एक टोल पे किसान बैठा, मगर उनकी सुनवाई नहीं हुई। और 6 महीने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से वो किसान उठकर उन्होंने फैसला किया कि रामलीला ग्राउंड में जाके धरना देंगे। आज कुछ लोग पूछते हैं कि यातायात की इतनी परेशानी हो रही है, बॉर्डर्स पे बैठे हैं। ये बॉर्डर्स पे बैठने नहीं चले थे, ये रामलीला ग्राउंड, वही रामलीला ग्राउंड जहाँ सभी राजनीतिक दलों को अधिकार है, जहाँ देश की सरकार के विरोध में बड़े बड़े आंदोलनों की गवाही वो रामलीला ग्राउंड देता है। जयप्रकाश नारायण आंदोलन से लेकर अन्ना आंदोलन तक वहां बैठ के धरना देने के लिए आना चाहते थे। शांति प्रिय तरीके से चले, हरियाणा की सीमा में जैसे ही आए, कोई प्रोवोकेशन नहीं था, हरियाणा की सरकार ने हमलावर हो गई। हरियाणा की सरकार सोचा था, उस समय किसान केवल शांति से जा रहे थे, सोचा था रोक लेंगे, मगर ये वही खून है जो देश की सीमा पर दुश्मन की गोली और गोलों के सामने छाती अड़ाए खड़े हैं, उनसे पीछे नहीं हटते। सरकार की लाठियों से, आंसू गैस से और वाटर कैनन से ये पीछे नहीं हटने वाले थे। चलते बढ़ते गए, दिल्ली की सीमा पे आए, 25 नवंबर को दिल्ली की सीमा पे पहुंचे, वहां पर देश की राजधानी की सीमा सील कर दी गई और वहां से धरना शुरू हुआ। उसके बाद सारी सर्दी बातचीत पे बातचीत, तारीख पे तारीख, बेनतीजा बातचीत, और आखिरी दौर में भी जब 11वां राउंड हुआ तो सरकार ने बातचीत एक तरफा अपनी तरफ से बंद करी और अपमानित करके 5 घंटे तक बैठे रहे सारे किसान संगठनों के प्रतिनिधि। और 5 घंटे के बाद उनको बताया गया टेलीफोन पे कि सरकार की तरफ से बातचीत समाप्त हो चुकी है। उसके बाद उठ के गए, 26 जनवरी की घटना का जिक्र हुआ। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, लाल किले पे जो हुआ, असहनीय। कहीं कोई उपद्रव होता है, असहनीय, उसकी जांच भी होनी चाहिए, जो दोषी भी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन न्याय का तकाजा है, दोषी तो बचे नहीं मगर निर्दोष फंसे नहीं, यह व्यवस्था है न्याय की हमारे देश में। 26 जनवरी की जब घटना आई तो इस घटना की निंदा सारे किसान संगठनों ने करी, उन्होंने सब ने अपने आप को इस घटना से अलग कर दिया और कहा जो दोषी हैं उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो। तरह तरह के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, कई लोग कुछ राजनीतिक दल से संबंधित भी हैं, कई लोग के इलेक्शन एजेंट भी रहे हैं, मगर मैं आज उस विषय में नहीं जाना चाहता। उनके नाम सामने आ रहे हैं, सारे तथ्य सामने आए, दोषियों के खिलाफ सजा हो, सारे किसान संगठनों ने कहा, उनकी बात पे यकीन किया जाना चाहिए। इसीलिए किया जाना चाहिए कि ये 2.5 महीने से बैठे हैं, मेरे इलाके में बैठे, मेरे गृह क्षेत्र में बैठे हैं, 2.5 महीने में पुलिस के थानों से आप पता करा लिए, सभापति महोदय लाखों की तादाद में बैठे हैं, किसी को तंग करने की बात तो दूर है, किसी की तरफ हिंसा की बात तो दूर है, किसी एक रेडी वाले से एक मूंगफली और एक केला भी अगर किसी ने छीना हो, इन किसानों ने किया हो, एक कंप्लेंट पुलिस में आई हो, या 26 जनवरी को भी किसी दिल्ली के थाने में एक कोई दुकानदार, एक कोई रेडी वाला पहुंचा हो कि ये मूंगफली भी ली है किसी ने, वहां जाके आप पता करिए, लोग कहेंगे कि किसान ने अपना भी अपने साथ साथ हमारा भी भोजन का इंतजाम यहाँ पे जहाँ पे बैठे हैं उन्होंने किया है। इनकी बात पे इसीलिए भी यकीन किया जाना चाहिए कि इन धरनों से 200 लाशें, लगभग 194 लाशें जब वापस गई, आदमी विचलित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है,
भी हिंसा नहीं हुई। गुलाम नबी आजाद साहब ने बड़े बड़े किसान आंदोलनों की याद दिलाई सदन को और कहा कि हर आंदोलन में सरकार झुकी थी, चाहे ब्रिटानिया सरकार हो या आजाद भारत की सरकार। और यह आंदोलन इसलिए अलग है क्योंकि सरकार झुक नहीं रही, एक और वजह से आंदोलन अलग है। चाहे वो पगड़ी समाल जट्टा आंदोलन हो 1905 का, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो बरदोली का आंदोलन हो गुजरात का, किसी आंदोलन में इतने किसानों ने अपनी जान कुर्बान नहीं करी जितने इस आंदोलन में जुर्बान किसान कर। मगर ये विचलित नहीं हुए, लाशें इन धरनों से अपने अपने गांव में जाती रही, विचलित नहीं हुए, शांति से संयम से बैठे रहे। इनकी नियत का अंदाजा उससे लगाना चाहिए देश को। न्याय का तकाजा था, दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। लेकिन क्या हुआ इस घटना के बाद? इस घटना के बाद निर्दोष लोगों पर को निशाना बनाया गया, झूठे मुकदमे किसान पर, पत्रकारों पर। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए मीडिया का एक तबका, साजिशें और षड्यंत्र बड़े बड़े रचे जाने लगे। किसान की आवाज को कुचलने के लिए प्रचार तंत्र हमलावर हो गया, प्रचार तंत्र झोंक दिया गया। प्रजातंत्र नहीं, प्रचार तंत्र। आज ये प्रजातंत्र नहीं है, प्रचार तंत्र है। प्रचार से, प्रचार के लिए, प्रचार द्वारा, प्रचार तंत्र। देशद्रोही बताया गया जो इन धरनों में बैठे हैं, देशद्रोही बताया गया। कहा कि आतंकवादी हैं, चीन पाकिस्तान से फंडेड हैं, गद्दार हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो बाप यहां बैठा है जिसको गद्दार बताया जा रहा है, देशद्रोही बताया जा रहा है, उसका बेटा चीन की सीमा पे तैनात है, अगर वो गद्दार है तो वो उसका बेटा क्या है? मैं सदन से पूछना चाहता हूं, मैं माननीय रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं। ये जो दिल्ली के आसपास का इलाका है, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जय जवान जय किसान को चरितार्थ करती हुई भूमि, मुझे गर्व है, मैं इस भूमि का एक बेटा हूं, मैं किसान का बेटा हूं। ये भूमि, ये वही भूमि है। मैं केवल हरियाणा की बात करूं, हर 10वां सैनिक फौज का आज भी हरियाणा से, 20% हमारे खाद्य भंडार आज हरियाणा का किसान मेहनत करके 20% खाद्य भंडार काम करता है। देश के लिए 40% मेडल, चाहे ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियाई खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी लाने का काम करते हैं। जब ओलंपिक में और एशियाई खेलों में उस किसान का बेटा देश का झंडा ऊंचा करे, उस किसान का बेटा जब सीमाओं से तिरंगे में लिपट के शहादत देकर वापस आए, आज उस किसान को तिरंगे के ऊपर उपदेश दिए जा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं उससे ज़्यादा कौन देशभक्त हो सकता है। मैं पिछले हफ्ते बताऊं, मैं अपने इलाके की बताना चाहता हूं इस इलाके के बारे में। मैं पिछले हफ्ते में मेरे क्षेत्र में, मेरे गृह क्षेत्र में 3 डेड बॉडी आई, एक अरुणाचल से, एक लद्दाख से। सिवाना गांव बेरी के अंदर BSF के जवान शहीद सचिन, गांव जूडी कोसली के अंदर शहीद दीपक कुमार यादव, और खरखड़ा गांव के अंदर शहीद कैप्टन जगतार सिंह। 3 बॉडीज वापस आई, 3 बॉडीज देश की सीमाओं से वापस आई, शहादत दिए, और एक दर्जन किसानों की, उनके परिजनों की डेड बॉडी दिल्ली की सीमाओं से उन्हीं गांव में वापस गई। मगर दुर्भाग्य ये है उस जवान और उस किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया गया है। उनके बीच में कंक्रीट की दीवार और किले लगा दी गई हैं। मैं कहना चाहता हूं सरकार से, दिल्ली की सीमा पर लगी हुई ये किले लोकतांत्रिक मूल्यों के ताबूत में सियासत की किलों के रूप में आपने लगाई हैं। मगर ये भी मैं बोलना चाहता हूं आपसे, हृदय से बोलना चाहता हूं, लाठी तंत्र कभी लोकतंत्र को नहीं हरा सकता। देश का अन्नदाता कभी धनाढ्य और उद्योगपतियों का गुलाम नहीं बन सकता। इन किलों को, इन नफरत की किलों को किसान, इन नफरत के किलों को जो उगाया है सरकार ने, नफरत की किलों की जो खेती की है, इसकी भी कटाई किसान अपने प्यार की गरज दराती से करना जानता है। इस सब के बाद भी सच आएगा, सच में ताकत है।
सच आएगा। इंटरनेट आज मेरे पूरे इलाके के अंदर इंटरनेट बंद है। आपके इंटरनेट, आपकी दीवारें, आपके पहरे, आपकी कीलें सच को रोक नहीं पाएंगी। सच बाहर आएगा एक दिन, सच जरूर आएगा और हम न्याय और अन्याय की लड़ाई जरूर जीतेंगे। एक आशा जगी थी प्रधानमंत्री, 3-4 दिन पहले एक बात आई प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि मैं दूर नहीं हूँ, एक टेलीफोन कॉल, मैं बहुत नज़दीक हूँ, एक टेलीफोन कॉल की इंतज़ार है। आशा कुछ जगी थी, मगर मैं पूछना चाहता हूँ उसके बाद 4-5 दिन से हुआ विपरीत। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने यह कहा, अगले दिन सीमेंट की मोटी मोटी दीवारें, 15-15 बैरिकेड लेयर की बैरिकेडिंग, हजारों की तादाद में हथियारों से लैस पुलिस बल, और यहाँ तक कि इंटरनेट, मेट्रो, बिजली, पानी और शौचालय, शौचालय की जो टेम्परेरी टॉयलेट लगे हुए थे वो फैसिलिटी भी वहाँ से अगले दो प्रधानमंत्री जी के बात के तुरंत बाद हटा दी गई। शौचालय, स्वच्छ भारत का नारा देने वाली सरकार, जहाँ इन धरनों से लाखों किसान जहाँ डटे हुए हैं वहाँ से शौचालय को भी हटवाने का काम कर रही है। दुश्मन की फौज को भी सरेंडर कराते हैं, वहाँ भी पानी का और शौचालय का इंतजाम कराते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ये कौन है? प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम किसान के नज़दीक हैं, बाय एक फ़ोन कॉल दूर हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कौन है जो मगर प्रधानमंत्री जी और किसान के बीच में ये दूरियाँ पैदा कर रहा है पिछले 3-4 दिन में? ये किसान देश की राजगद्दी पे कब्जा करने नहीं आए। ये किसान क्या मांग रहे हैं? ये केवल ये मांग कह रहे हैं कि जो सरकार ने दिया है उसको भी लौटाना हम चाहते हैं। जो जिस हाल में हम थे, जो हमारे पास बचा था, उनको इन 3 कानूनों के माध्यम से ना छीनो, केवल ये गुहार करने आए हैं। किसान आखिर आपसे क्या मांग रहा है? MSP को बचाने की और उसको मजबूत करने की लड़ाई किसान लड़ रहा है। वही MSP जो संविधान सभा में 1948 में सबसे पहले मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी ने जिसकी मांग करी थी कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी फसल पे देना पड़ेगा, किसान को बचाना है तो उस MSP को मजबूत करने, उस MSP को बचाने के लिए किसान लड़ाई लड़ रहा है। उस APMC और उस मंडी व्यवस्था को बचाने के लिए किसान लड़ रहा है जो चौधरी छोटू राम ने 1938 में ज्वाइंट पंजाब, पेशावर से पंजाब तक, पेशावर से पलवल तक जब एक राज्य था, उस समय जब मंडी व्यवस्था बनी थी, उस मंडी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसान लड़ाई लड़ रहा है। उस उपभोक्ता को बचाने के भी लिए लड़ाई लड़ रहा है जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से जो भंडारण, असीमित भंडारण। माननीय दीपेंद्र जी कंक्लूड करिए, आपका समय हो गया। समय अधिक हो गया। तो उस उपभोक्ता को बचाने के लिए भी लड़ाई लड़ रहा है जो उपभोक्ता, जो असीमित भंडारण, जमाखोरी की छूट के बाद किसान कह रहा है कि मुझसे अगर आप सस्ते में खरीद कर उसको भंडारण करके और उपभोक्ता को बहुत महंगे में बेचेंगे तो जो मुनाफाखोरी होगी उससे उपभोक्ता को भी बचाना है। उस उपभोक्ता के लिए भी किसान लड़ाई लड़ रहा है। किसान ये लड़ाई लड़ रहा है आज, किसान इनके साथ साथ अपने स्वाभिमान, अपने आत्मसम्मान की भी लड़ाई लड़ रहा है। मैं सदन के माध्यम से इस सरकार से एक किसान के बेटे होने के नाते हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूँ, स्थिति गंभीरता समझें। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई शासक छोटा नहीं होता, अपनी प्रजा की बात मानने से कोई सरकार, किसी सरकार की हार नहीं होती। किसान की बात समझे, किसान के इन 3 कानूनों को वापस ले सरकार, किसान के ऊपर झूठे मुकदमे जो बने उन मुकदमों को सरकार वापस ले, और बड़ा दिल दिखाए, मैं कंक्लूड करता हूँ अभी, उन मुकदमों को भी वापस ले सरकार, बड़ा दिल दिखाए। सरकार को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा ताकि देशभक्त किसान के दिल में कोई अविश्वास पैदा ना हो, कोई अविश्वास पैदा होने की गुंजाइश ना हो। मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करने के रंग दिए गए, मैं एक उदाहरण देके प्लीज आप एक उदाहरण देके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मेरी पार्टी का टाइम, एक उदाहरण देके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। एक अखबार में आज बात छपी है, दैनिक भास्कर अखबार में। अंदाजा लगाएं आप कि कौन बैठे हैं, मुझसे पूछा गया अभी कि कौन बैठे हैं यहां पर, कहा गया बीजेपी की तरफ से, फिक्र
बड़ौदा के 78 साल के पति का हाल जानने आंदोलन में पहुंची रामरती, 54 दिन के बाद पति को देखकर छलके आंसू, बोली, बालका के बाबू तू ठीक से? 54 दिन। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, किसानों की बात माने हाथ जोड़कर, और आत्ममंथन भी करे सरकार। ये आत्ममंथन का भी समय है सरकार का। आप आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, अभी बोल रहे थे कि भाई किसान के लिए क्या किया, ये वही किसान है। आज़ादी के समय 30 करोड़ का पेट पालने के लिए बाहर से आपको लाना पड़ता था ना, आज 135 करोड़ देश का पेट पालने का काम। सभापति मुझे आखिरी वाक्य, 135 करोड़ देश का पेट पालने का काम सरकार ये किसान करते हैं और फिर भी एक्सपोर्ट की गुंजाइश रखते हैं, आत्मनिर्भर इन्होंने बनाया है। आत्मनिर्भर बनाने की आप बात करते हो, मैं चेतावनी दे के आपको अपनी बात समाप्त करता हूँ। आत्ममुग्ध सरकारें, भूपेंद्र जी आप तो हिंदी के ज्ञाता हैं, आत्ममुग्ध सरकारें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण नहीं कर सकती है, चेतावनी मैं देना चाहता हूँ। और एक वाक्य के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ, जय जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद दीपेंद्र जी।